गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. वी आर लाइव नाउ. ओके, लेट्स स्टार्ट विद योर अटेंडेंस. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर. 13 रोल नंबर 7, 14, 15. 4 रोल नंबर 20, 10 एंड 1. ओके, नाइनटीन. फाइव रोल नंबर 10. जल्दी से ज्वाइन करें बच्चे, जो बचते हैं फटाफट से ज्वाइन करें ताकि हम कंटिन्यू करें अपनी क्लास. एटीन. तो आज हम पढ़ेंगे एंथर कल्चर. टुडेज टॉपिक इज एंथर कल्चर एंड आवर लास्ट टॉपिक वाज द हैप्लॉइड प्रोडक्शन. अंडर विच हैप्लॉइड प्रोडक्शन, हैप्लॉइड प्रोडक्शन के अंडर हमने क्या पढ़ा था कि हैप्लॉइड प्रोडक्शन जो है दो तरीकों से हो सकती है, या तो फिर एंड्रोजेनेसिस के थ्रू या फिर गाइनोजेनेसिस के थ्रू. ठीक है, हम एंड्रोजेनेसिस के थ्रू जो है मतलब कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे हम लोग जो है वो एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उससे हम लोग एम्ब्रियो प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर उसकी जो वो फर्दर डिफरेंशिएशन कर सकते हैं उस टिश्यू की. ठीक है, तो या तो फिर ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ जो हमारे पास हो सकती हैं. तो हमने उसके अंडर पढ़ा था कि जैसे गाइनोजेनेसिस है तो उसके अंडर भी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट टॉपिक्स थे. एंड्रोजेनेसिस के अंडर जो है वो दो टॉपिक्स थे. तो एंड्रोजेनेसिस के ये डायग्राम जो जिसमें चार पाथवेज बताए गए हैं, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जो चार पाथवे बताए गए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें मैंने बताया था कि कैसे कैसे डिफरेंशिएशन दो सेल्स में डिफरेंशिएशन होती है या फिर नहीं होती है. जैसे जैसे यहाँ पे माइक्रोस्पोर्स हैं, माइक्रोस्पोर्स सेल है. ठीक है, माइक्रोस्पोर जो है वो अगर नॉर्मल इसकी जो डिफरेंशिएशन होती है, फर्दर इसकी जो डिवीज़न होती है तो वो किस में डिवाइड होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस में और जनरेटिव न्यूक्लियस में ये डिवाइड होता है. ठीक है, तो यहाँ पे चार पाथवेज हैं, मतलब एक तरीके से ये क्या है, साइटोलॉजी है. किसकी? साइटोलॉजी ऑफ एंड्रोजेनेसिस. ठीक है, एंड्रोजेनेसिस की ये साइटोलॉजी है कि इसमें आपको न्यूक्लियस जो है वो किस तरीके से डिवाइड होते हुए मिल रहे हैं. तो फर्स्ट वाले में जो है नॉर्मली कोई भी डिवीज़न जो है वो एबनॉर्मल, मतलब अनइक्वल नहीं होती है जैसे कि नॉर्मल माइक्रोस्पोर में होती है. जैसे छोटा छोटी सेल जो है वो जनरेटिव सेल बनती है और लार्जर सेल वो जो है वो क्या बनती है, वेजिटेटिव सेल जो है वो बनती है. तो पाथवे वन में क्या बताया गया था, आपको कल समझाया था, पाथवे वन में जो है वो कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती है, सीधा डिवीज़न होती है और मास ऑफ जो है वो सेल्स बन जाता है, मल्टी सेलुलर पोलन ग्रेन बन जाता है और उसके उससे आगे जो है वो प्लांट प्रोडक्शन जो है वो करी जाती है. और सेकेंड पाथवे में क्या होता था, सेकेंड पाथवे में जो वो जैसे जो वेजिटेटिव सेल है, मतलब डिफरेंशिएशन होती थी वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल में, लेकिन जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर किसी भी जो डिवीज़न है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करती थी. सिर्फ वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो है वो डिवीज़न में पार्टिसिपेट करता था और
मल्टी सेलुलर पॉलन ग्रेन बनाता था, जिससे कि आगे हम एम्ब्रियो प्रोडक्शन करते थे या फिर फर्दर डिफरेंशिएशन करते थे उसकी प्लांट पूरे के पूरे प्लांट्स में, ठीक है। और थर्ड पाथवे में जो जनरेटिव सेल है वो कुछ भी मतलब जनरेटिव सेल जो है वो वैसे का वैसे रहेगा, और वेजिटेटिव सेल जो है वो आगे डिवाइड करके, मतलब अल्टरनेट वे में, एक में वेजिटेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके पूरा का पूरा जो वो मल्टी सेलर पोलन ग्रेन बनाएगा, और दूसरे वाले में जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करके पूरा का पूरा पोलन ग्रेन बनाता है, जो थर्ड पाथवे है। और उसके बाद तो फोर्थ पाथवे में जो जनरेटिव एंड वेजिटेटिव वो जो है उनकी डिवीजन वो दोनों ही डिवाइड करके जो है वो मल्टी सेलर पोलन ग्रेन बनाते हैं। तो ये चार पाथवे थे जिससे कि हम एंडोजेनेसिस की साइटोलॉजी के बारे में स्टडी करते थे। और एंडोजेनेसिस जो वो दो तरह का था, एक पोलन कल्चर और एंथर कल्चर। तो ये डायग्राम जो है वो उसको वैसे एनलार्ज करके दिखाऊंगी मैं तो ये दिखेगी नहीं, तो इससे इससे इलेबोरेट करने से अच्छा है, इस वाली डायग्राम से इलेबोरेट करने से अच्छा है हम लोग वैसे ही इसके बारे में डिटेल में पढ़ लें। तो इसमें पोलन कल्चर के बारे में पढ़ा था हमने कि पोलन कल्चर किसे कहते हैं। तो पोलन कल्चर में हमने पढ़ा था कि इसमें पोलन ग्रेन्स हैं जो कि हैप्लोइड प्लांट पार्ट होता है, ठीक है, हैप्लोइड होता है ये, इसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। तो इसको आइसोलेट करके फर्दर हम कल्चर मीडिया में इंक्यूबेट कर देते हैं, जिससे कि फर्दर हमारे पास या तो फिर एम्ब्रियो बन जाता है, ठीक है, हैप्लोइड एम्ब्रियो बनेगा, या फिर हैप्लोइड प्लांट की प्रोडक्शन होगी। तो इसमें हमने चार तरह के जो कल्चर हैं उनके बारे में देखा था, लेकिन हम लोग जो वो उसकी टेक्निक्स जो वो सिर्फ निश कल्चर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे, ताकि हमें इसको इलेबोरेट करने का मौका मिल जाए कि हम कैसे टिश्यू कल्चर, यानी कि सॉरी टिश्यू नहीं, पोलन कल्चर जो है वो हमें कैसे करते हैं। तो इसको इलेबोरेट करते हैं पोलन कल्चर कैसे किया जाता है। तो इसमें हम वन मेथड पढ़ लेंगे, वैसे मेथड्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मेथड पढ़ के जो है वो हम इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करके, ताकि आप जो अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाओ एग्ज़ाम में। तो इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। दिस मेथड इज़ डिस्क्राइब्ड हेयर फॉर द कल्चर ऑफ आइसोलेटेड पोलन ऑफ टबैको, ठीक है, आइसोलेटेड पोलन ऑफ टबैको, मतलब इसको हम जो तंबाकू मतलब टबैको प्लांट होता है उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उसको हम कैसे कल्चर करते हैं। टेक्निक्स कैन बी कंसीडर्ड एज अ बेसिक प्रोटोकॉल फॉर द पोलन कल्चर एंड इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये फॉलोइंग प्रोसीजर जो है वो इन्वॉल्व करता है। तो इसमें सबसे पहले जो है वो हम क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ द सूटेबल अनओपन्ड फ्लावर बड, अनओपन्ड फ्लावर बड जो है वो हम लेते हैं और स्टरलाइजेशन करते हैं उसकी, फिर एक्सीजन ऑफ द एंथर विदाउट द फिलामेंट, एंड आर द सेम एज डिस्क्राइब प्रीवियसली इन द एंथर कल्चर। तो एंथर कल्चर में भी ये जो है वो सेम ऐसे ही किया जाता है, मतलब विदाउट द जो फिलामेंट होता है उसको साथ में नहीं लिया जाता। अबाउट 50 एंथर आर प्लेस्ड इन स्मॉल स्टराइल वीकर कंटेनिंग 20 ml ऑफ लिक्विड बेसल मीडियम, ठीक है, लिक्विड बेसल मीडियम जो अब इसमें लिया जाता है, ठीक है। कॉल्स आ जाती है बीच में, मुझे सेटिंग चेंज नहीं करने आती, सेटिंग जो है वो चेंज करूँगी ताकि बीच में कॉल्स ना आए, सो दैट हमारी स्टडी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें MS कूग मतलब मोरिश एंड स्कूग मीडिया जो वो यूज़ किया जाता है, या फिर वाइट मीडिया यूज़ किया जाता है, या फिर निश और निश मीडिया जो वो यूज़ किया जाता है निश कल्चर में, ठीक है। कल्चर टेक्निक है एक तरीके से ये, और ये तीन जो है वो मीडिया बताए गए हैं, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होती है न्यूट्रिएंट्स की, तो उस बेस के जो ऊपर जो वो इनका अलग अलग नाम रखा गया है और साइंटिस्ट के नाम पे बेस्ड है ये। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, एंथर आर देन प्रेस्ड अगेंस्ट द साइड ऑफ द वीकर विद द स्टराइल ग्लास पिस्टन ऑफ ए सिरिंज टू स्क्वीज आउट द पोलन्स,
ठीक है, जो एंथर है उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, प्रेशर डाला जाता है, जिससे मतलब कि वो पोलन ग्रेन है वो बाहर की तरफ जो वो स्क्वीज आउट कर जाए, एंड अ होमोजेनाइज्ड एंथर देन फिल्टर्ड थ्रू अ नायलोन सीव एंड रिमूव द दैट एंथर टिश्यू डेब्रिस। तो उसके बाद जो वो एंथर टिश्यू जो आउटर बाल्स वगैरह होंगी तो उस डेब्रिस को जो वो निकाल दिया जाता है और सिर्फ पोलन ग्रेन्स जो हैं वो अंदर रखे जाते हैं। तो वो इमेच्योर होते हैं मैक्सिमम। तो हम लोगों ने प्लांट कैसा लिया है, अनओपन्ड फ्लावर वर्ड ली है जो अभी तक अनओपन्ड है, मीन्स टू से उसकी जो वो प्रॉपर मेच्योरेशन नहीं हुई है। द फिल्ट्रेट ऑफ द पोलन सस्पेंशन इज देन सेंट्रीफ्यूज एट द वेरी लो स्पीड 500 to 800 RPM पर मिनट। ठीक है, 500 to 800 RPM पर मिनट पे इसको जो है वो सेंट्रीफ्यूग किया जाता है। सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन जो है वो आपने देखी है, हमारी लैब में पड़ी हुई है, और हमने आई थिंक पता नहीं आप लोगों ने, हाँ आप लोगों से ही एक्सपेरिमेंट करवाया था शायद, नहीं आपके सीनियर्स से करवाया था। तो आप सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन जो है वो फोर्थ पेपर की बारी देख सकते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो उसके उसमें बस 1 मिनट में 800 बार, 500 से लेके 800 बार वो घूम जाता है 1 मिनट में। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन इसीलिए बोला जाता है, जिस तरीके से जो इसका प्रिंसिपल जो है वो उस तरीके इस वाली जो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज जो होता है ना, उसका जो प्रिंसिपल है वो सेम उसकी तरह होता है जो वो वाली मशीन रखी होती है हमने रसोई में, क्या बोलते हैं उसको, माखन निकालने वाली जो मशीन होती है, मधानी, जिसको प्रीवियस टाइम में हम मधानी यूज़ करते थे, और उसी चीज़ को जो वो अब लाइट के थ्रू जो वो किया जाता है। तो उस मशीन वो भी सेंट्रीफ्यूगेशन ही करती है एक तरीके से, ठीक है, फॉर 5 मिनट्स। एंड सुपरनेटेंट कंटेनिंग फाइन डेब्रिस इज डिस्कार्डेड एंड पैलेट ऑफ पोलन इज सस्पेंडेड इन द फ्रेशली लिक्विड मीडियम एंड वाश्ड ट्वाइस बाय रिपीटेड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड रीसस्पेंशन इन द फ्रेश लिक्विड मीडियम। तो उसको 2-3 बार जो है वो फॉलो किया जाता है। फिर पोलन आर मिक्सड फाइनली विद द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेसियल मीडियम। पोलन जो है वो किसके साथ मिक्स कर दिए जाते हैं, मेजर्ड फाइनली मिक्सड विद द मेजर्ड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड वेसियल मीडियम सो दैट इट मेक्स द डेंसिटी ऑफ 1032104 पोलन पर ml, कि मतलब इतने ml जो है, इतने 1 ml में इतने पोलन ग्रेन जो है वो इतने रह जाए, इस तरीके से जो है वो उसको डेंसिटी। फिर 2.5 ml ऑफ पोलन सस्पेंशन इज पिपेटेड आउट, 2.5 ml जो वो पोलन सस्पेंशन हमने पिपेट आउट किया और स्प्रेड इट इन 5 सेंटीमीटर पैट्री डिश के ऊपर उसको हमने स्प्रेड कर दिया। फिर उसके बाद क्या किया, पोलन्स आर बेस्ट ग्रोन इन लिक्विड मीडियम बट इफ नेसेसरी दे कैन बी ग्रोन बाय द प्लेटिंग बाय वेरी सॉफ्ट जेल और अगार जेल एडेड मीडियम एंड ईच डिश इज सील्ड विद द सेलो टेप टू अवॉइड द डिहाइड्रेशन। तो उसको पेट्री डिश को जो वो क्या किया जाता है, कवर कर दिया जाता है सेलो टेप के साथ ताकि डिहाइड्रेशन ना हो पाए, मतलब जो उसके अंदर जो पानी है वो वेपोरेट ना कर जाए, ठीक है, डिहाइड्रेशन ना हो जाए जो मीडिया है उसकी। फिर उसके बाद पेट्री डिशेज आर इनक्यूबेटेड एट द 27 to 30 degrees Celsius अंडर लो इंटेंसिटी ऑफ द वाइट कूल लाइट। ठीक है, लो इंटेंसिटी की वाइट कूल लाइट जो है वो इसको दी जाती है, क्योंकि टेम्परेचर भी तो चाहिए होता है, सॉरी लाइट भी चाहिए होती है, टेम्परेचर भी जो है वो पर्टिकुलर चाहिए होता है मीडिया के लिए। तो 500 लक्स, तो ये लक्स जो है वो यूनिट है लाइट की, 16 आर तक जो है वो इसको ये लाइट प्रोवाइड की जाती है। एंड यंग एम्ब्रियोइड्स कैन बी ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिनों में हम क्या देखेंगे वहाँ पे, जहाँ पे इंक्यूबेशन कर दी गई है, जिन पेट्री डिशेज में हमने पोलन ग्रेन्स की इंक्यूबेशन कर दी गई है, तो वहाँ पे 30 दिन बाद जो है वो यंग एम्ब्रियोइड्स दिखेंगे हमें,
तो छोटे छोटे एम्ब्रियोड्स, एम्ब्रियो लाइक स्ट्रक्चर जो है वो दिखेंगे, एंड दीज एम्ब्रियोड्स आर अल्टीमेटली गिव राइज टू हैप्लॉइड प्लांटलेट्स। और ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड प्लांटलेट्स बना देते हैं। एंड हैप्लॉइड प्लांटलेट्स आर देन इंक्यूबेटेड इन 27 to 30 degrees Celsius टेम्परेचर इन 16 hours डे लाइट रिजाइम एट द अबाउट 2000 लक्स। तो इतने लक्स जो है वो उसमें डे लाइट में रखा जाता है उसको। प्लांटलेट्स एट मेच्योरिटी आर ट्रांसफर्ड टू द सॉइल एज डिस्क्राइब्ड इन द एंथर कल्चर, जैसे कि एंथर कल्चर में इसको बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पॉलन कल्चर जो है वो कैसे किया जाता है। तो उसमें आपने टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा उसका ध्यान रखना है, और उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं 2 या 3 बार जो है वो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। फिर उसके बाद क्या किया हमने, पोलन ग्रेन्स के जो 2.5 ml सॉल्यूशन जो है वो स्प्रेड किया पेट्री डिश पे, पेट्री डिश को जो है वो कवर कर देते हैं। फिर कवर क्यों करा जाता है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, उसको एक पर्टिकुलर लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो पर्टिकुलर फिर उसके बाद में जो है वो इतनी टेम्परेचर 27 to 30 degrees Celsius जो उसको टेम्परेचर दिया जाता है, और लो इंटेंसिटी की वाइट कूल लाइट जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और उसके बाद उसको कितने दिनों बाद देखना है, 30 दिनों के बाद देखना है। तो उसमें छोटे छोटे जो वो एम्ब्रॉयड्स नज़र आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो उसको धीरे धीरे करके जो वो पहले इनक्यूबेट किया जाता है 16 hours डे लाइट में, फिर उसके बाद जो है उसको सॉइल में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो प्लांटलेट्स बनती हैं किससे, माइक्रोस्पोर्स से, यानी कि पोलन ग्रेन से जो प्लांटलेट्स बनती हैं उनको। तो आते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, एंथर कल्चर पे। एंथर कल्चर पे आते हैं। तो एंथर कल्चर जो है उसमें क्या किया जाता है, एंथर कल्चर इज द टेक्निक बाय विच द डिवेलपिंग एंथर एट ए प्रिसाइज एंड क्रिटिकल स्टेज आर एक्साइज्ड एसेप्टिकली फ्रॉम द अनओपन्ड फ्लावर बड एंड कल्चर्ड ऑन द न्यूट्रिएंट मीडियम वेयर द माइक्रोस्कोप विद इन द कल्चर्ड एंथर डिवेल्प इन टू द कैल्स्टेलर टिश्यू एंड एम्ब्रॉयड्स। ठीक है, ये या तो फिर एंथर जो है वो किस में डिवेल्प हो जाएगा, कैलस टिश्यू में डिवेल्प हो जाएगा, या फिर छोटे छोटे एम्ब्रॉयड्स जो एम्ब्रॉयड्स हैं उसमें डिवेल्प हो जाते हैं ये माइक्रोस्पोर टू गिव राइज अ हैप्लोइड प्लांटलेट लेट्स आइदर थ्रू द ऑर्गेनोजेनेसिस और एम्ब्रियोजेनेसिस, या तो फिर एम्ब्रियोजेनेसिस हो जाती है उनकी या फिर ऑर्गेनोजेनेसिस हो जाती है। ठीक है, या तो पहले एम्ब्रियो बनेगा या फिर सीधा ही क्या बन जाएगा, उसकी डिफरेंशिएशन हो जाती है, यानी कि ऑर्गेनोजेनेसिस, ऐसे मतलब रूट लीफ एंड स्टेम इस तरीके से डिफरेंशिएशन जो वो होने लग पड़ती है। अब आते हैं प्रोटोकॉल फॉर द एंथर कल्चर। तो इसके लिए क्या किया जाता है, प्रोटोकॉल फॉर द एंथर कल्चर, द टबैको इज अ आइडियल मटेरियल फॉर एंथर कल्चर, सो बेसिक प्रोटोकॉल डिस्क्राइब्ड बिलो शुड बी एप्लीकेबल फॉर द एंथर कल्चर इन जनरल विद द मॉडिफिकेशंस एंड द इमेच्योर एंथर कंटेनिंग द यूनि न्यूक्लियर पोलन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट माइटोसिस आर द मोस्ट सुटेबल मटीरियल फॉर द इंडक्शन ऑफ द हैप्लोइड। ठीक है, तो उसको हैप्लोइड बनाने के लिए जो ये मोस्ट सूटेबल मटेरियल होता है इमेच्योर एंथर, जिसमें यूनि न्यूक्लिएट पोलन्स होते हैं। ठीक है, जिसमें फर्स्ट म्यूसिस जो है वो होनी होती है, एट द टाइम ऑफ फर्स्ट म्यूसिस आर मोर सूटेबल होते हैं किसके लिए, ये एंथर कल्चर के लिए। सिर्फ 9 स्टूडेंट ज्वाइन करें, तुम लोग बाकी स्टूडेंट कहाँ रह जाते हो, तुम सिर्फ 9 स्टूडेंट ज्वाइन करें, एक डिवाइस मेरी अटैच्ड है और ओनली 9 स्टूडेंट्स आर देयर, अटेंडेंस कितनों ने लगवाई है, 6 7 8 9 10 11 12, बाकी कहाँ गायब हैं, मुझे लग रहा है अटेंडेंस लेनी पड़ेगी मुझे। जो स्टूडेंट अभी नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग आपस में मैसेज करके उनको बुला लीजिए, मुझे एक डिस्कशन भी करना है आफ्टर द लेक्चर,
मुझे आपसे कुछ चीज़ पूछनी है, कुछ करना है जो कि आपके और मेरे बीच में ही रहना चाहिए। तो आप जो एब्सेंट है उन्हें मैसेज करके जो वो बोल दीजिए कि क्लास लगवाइए। ठीक है, सुन रहे हैं ना आप? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हाँ जी, नाइन वीडियो को लाइक कर दें साथ साथ में। यस 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 यस, ओके। एक दो तीन चार पाँच स्टूडेंट जी। ठीक है, तो इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद जो है वो बाकी जो डिस्कशन बचेगा, मतलब जो करना होगा डिस्कशन, वो करते हैं। पहले अपने पढ़ाई को कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है इसमें, सबसे पहले क्या करते हैं हम? कलेक्ट द फ्लावर बर्ड ऑफ द निकोशियाना टबैकम। इस सारे सारे एक्सपेरिमेंट जो वो किस में बताए गए हैं? टबैकम, मतलब कि तंबाकू के प्लांट पे बताए गए हैं, उसके जो फ्लावर है उसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं। एट द ऑनसेट ऑफ फ्लावरिंग, जब वो फ्लावरिंग अभी शुरू हो रही है। एंड सिलेक्ट द फ्लावर बर्ड इन 17 to 22 mm इन लेंथ। ठीक है, जो कि अभी तक 17 से लेके 22 mm लेंथ के हैं। व्हेन द लेंथ ऑफ द सेपल इक्वल टू दैट ऑफ द पेटल्स। ठीक है, ये पेटल्स और सेपल्स की लेंथ जो है वो जब बराबर है, रिजेक्ट ऑल फ्लावर बर्ड्स विच आर बिगनिंग टू ओपन। जो जो ओपन होने वाली हैं उनको जो है वो रिजेक्ट कर दें। ठीक है, ट्रांसफर द सिलेक्टेड फ्लावर बर्ड इन लेमिनार एयर फ्लो। एंड ईच फ्लावर बर्ड कंटेन 5 anthers। तो हर एक फ्लावर बर्ड में कितने एंथर होंगे? 5 होंगे इन द केस ऑफ निकोशियाना टबैकम। एंड दीज आर नॉर्मली सरफेस स्टरलाइज इन क्लोज बर्ड। ये किस सरफेस स्टरलाइजेशन जो वो कर दी जाती है इसकी क्लोज बर्ड्स में ही। एंड द फ्लावर बर्ड आर सरफेस स्टरलाइज बाय द इमर्शन ऑफ 70% इथेनॉल फॉर 10 seconds एंड फॉलोड बाय द इमीजिएटली बाय द 10 minutes ऑफ 20% सोडियम हाइपोक्लोराइट। तो इसमें सबसे पहले जो 70% इथेनॉल से इसको इमर्श किया जाता है, इसको इमर्ज किया जाता है, और उसके बाद मतलब इस इमर्शन में इसको डिप किया जाता है, और उसके बाद जो है वो 20% सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है वो दे दिया जाता है इसको, मतलब उसमें डिप कर दिया जाता है। एंड दे आर वॉश्ड 3 times विद द स्टराइल डिस्टिल्ड वाटर। फाइनली ट्रांसफर द वर्ड्स टू स्टराइल पेट्री डिश। तो उसके बाद जो वो बर्ड को स्टराइल पेट्री डिश में क्या कर दिया जाता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। टू रिमूव द एंथर स्लिट द स्लाइड ऑफ द बर्ड विद द शार्प स्केलपेल एंड देन रिमूव देम विद द पेयर ऑफ फोर्सेप। ठीक है, एंथर को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं? स्लिट उसको शार्प स्केलपल से या फिर फोरसेप से जो है वो हम उसको निकाल लेते हैं। एंड प्लेस द 5 anther विद द फिलामेंट। उनको फिलामेंट के साथ जो है वो क्या कर दिया जाता है? टू एंथर एनदर पेट्री डिश। तो उसको एनदर पेट्री डिश में कर दिया जाता है ट्रांसफ़र। एंड द फिलामेंट आर कट जेंटली। उनको फिलामेंट को जेंटली कट कर दिया जाता है। एंड डैमेज्ड एंथर देन शुड बी डिस्कार्डेड एज दे ऑफन फॉर्म द कैलस टिश्यू एंड द डैमेज्ड प्लांट पार्ट देन द पोलन्स। ठीक है, तो उसको जो डैमेज्ड एंथर हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया जाता है, और जो क्योंकि डैमेज्ड एंथर जो हैं वो हमेशा कैलस फॉर्मेशन करते हैं, और डैमेज्ड पार्ट जो है वो अदर देन पोलन जो है वो
उसको भी रिमूव कर दिया जाता है। एंड देन एंथर द रिप्लेस प्लेस्ड ऑन द अगार सॉलिडिफाइड वेसल मीडिया MS और वाइट और निश मीडियम, ठीक है। फिर पूरे के पूरे एंथर को वहाँ पे रख दिया जाता है जो कि जिसको हमने सिलेक्ट किया है। तो ये मीडिया जो हमें कौन सा चाहिए, मोरेन स्कूस मीडिया और वाइट मीडिया और निश निश मीडियम जो वो चाहिए होता है। द कल्चर इज केप्ट इनिशियली इन डार्क, सबसे पहले हमें उन्हें उसको डार्क में रखना है। आफ्टर 3 or 4 weeks द एंथर आर नॉर्मली अंडर गो द पोलन एम्ब्रियोजेनेसिस एंड हैप्लोइड प्लांटलेट्स अपेयर फ्रॉम द कल्चर एंथर एंड इन सम केसेस एंथर मे अंडर गो प्रोलीफिकेशन और टू फॉर्म द कैलस टिश्यू विच कैन बी इंड्यूस टू डिफ्रेंशिएट इन टू द हैप्लोइड प्लांट। तो अगर कैलस फॉर्मेशन भी हो जाए तो उसको भी इंड्यूस कर दिया जाता है, क्या करने के लिए कि हैप्लोइड प्लांट बन जाए उससे। तो इंडक्शन जो है वो कैसे की जाती है, उसको वैसे ही न्यूट्रिएंट्स मीडिया के साथ जो वैसे ही ग्रोथ रेगुलेटर्स दिए जाते हैं, उसको वैसे ही ग्रोथ रेगुलेटर खिलाए जाएंगे जिससे कि वो प्लांट बन जाए, आगे जो है वो मास ऑफ सेल जो वो ना बने, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करते हैं हम, एट दिस स्टेज द कल्चर आर इनक्यूबेटेड इन द 24 to 28 degrees Celsius इन 14 hours डेली लाइट रेजिम इन एट अबाउट 2000 लक्स। उसके बाद जो है वो उसको डे लाइट रेजिम में उसको जो, तो डे लाइट जो है उसकी क्या कितनी क्वान्टिटी होती है, 2000 लक्स जो है उस तक जो है उसको बाहर एक्सपोज किया जाता है टू द सनलाइट। एंड अप्रोक्सीमेटली 50 mm टॉल प्लांटलेट्स आर फ्रीड फ्रॉम द अगार एंड वाज जेंटली वॉशिंग विद द रनिंग टैप वाटर। तो उसको कैसे हम लोग जो है वो फ्री करते हैं अगार से, उसको जेंटली वॉश करते हैं किससे, रनिंग वाटर टैप, जो टैप वाटर से जो है उसको वॉश करते हैं। एंड देन ट्रांसफर्ड टू स्मॉल पॉट कंटेनिंग ऑटोक्लेव पॉटिंग कंपोस्ट। तो उसमें क्या होता है, और ऐसे पॉट में जिसमें कि कंपोस्ट ऐड की होती है, कैसी, स्टरलाइज्ड जो कि ऑटोक्लेव की गई हो। एंड कवर ईच प्लांट विद द ग्लास बीकर टू प्रिवेंट द डेसिकेशन एंड मेंटेन इन अ वेल लिड ह्यूमिड ग्रीन हाउस। तो उसमें वेल लिट, वेल लाइट होगा वैसे यहाँ पे, ह्यूमन ग्रीन हाउस जो है उस पर रखा जाता है इसको। एंड आफ्टर सम वीक रिमूव द ग्लास बीकर एंड ट्रांसफर द प्लांट टू लार्जर पॉट्स व्हेन द प्लांट विल बी मैच्योर एंड फाइनली फ्लावर। तो इस तरीके से इसको मैच्योर जो एक एंथर है उससे प्लांटलेट्स जो वो बनाई जाती है। तो इस तरीके से एंथर कल्चर किया जाता है, ठीक है। सेम वैसे ही चीज़ें जो वो फॉलो की गई जैसे कि पोलन कल्चर में की गई थी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस था इसमें, होल ऑफ द एंथर जो वो रखा जाता है। अच्छा, जो बुजुर्ग होते हैं उनको टेंशन हो जाती है बच्चों की कि ये कैसे बैठे हैं, मैं एक्चुअली खेतों में बैठी हूँ। क्योंकि क्लास लेने के लिए जो वो ऐसा ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। तो चले अपने नेक्स्ट इस पे कि हमारे जो एडवांटेजेस होती हैं पोलन कल्चर की, एडवांटेजेस क्या हैं ओवर द एंथर कल्चर। हम एंथर कल्चर के बजाय पोलन ग्रेन्स का कल्चर जो वो क्यों प्रेफर करते हैं, तो क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ द पोलन ग्रेन इन द एंथर इज एलिमिनेटेड एंड आइसोलेटेड पोलन ग्रेन्स आर इक्वली एक्सपोज टू न्यूट्रेंट मीडियम। तो इसमें ओवर क्राउडिंग जो है वो चीज़ जो है वो नहीं रहती है, जैसे एंथर में जो है वो एंथर के अंदर सारे के सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तो उसमें क्या होती है, ओवर क्राउडिंग होती है। तो उसमें किसी को जो न्यूट्रेंट मटीरियल है वो मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। अनवांटेड ग्रोथ ऑफ डिप्लॉयड सेल्स ऑफ द एंथर वॉल एंड अदर एसोसिएटेड टिश्यू इज एलिमिनेटेड। अब हमारे पास जो है माइक्रोस्पोर से
तो प्लांटलेट्स बन रही हैं, लेकिन जो एंथर के सेल्स हैं, अगर वही ऐसे डिप्लोइड प्लांट्स बनाने शुरू कर दें या फिर मास ऑफ द सेल्स बनाने शुरू कर दें, तो वो भी हमें आइडेंटिफाई करने का एक काम हो जाता है एक्स्ट्रा। तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं अगर पोलन कल्चर किया जाए रैदर देन एंथर कल्चर। एट द स्टेज ऑफ एंड्रोजेनेसिस इट कैन बी ऑब्जर्व्ड द स्टार्टिंग फ्रॉम द सिंगल सेल। तो इसको जो वो सिंगल सेल से हम लोग जो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड्रोजेनेसिस की, जो जो आपको स्टेजेस बताई मैंने। एंड वेरियस फैक्टर्स गवर्निंग द एंड्रोजेनेसिस कैन बी वेक्टर रेगुलेटेड। इसके जो वेरियस फैक्टर्स हैं उनको भी हम लोग रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एक एक सेल का जो वो हमारे पास हर एक चीज़ जो वो देखने को मिल रही है, तो हमें हम उससे रिगार्डिंग जो वो उस फैक्टर्स को गवर्न कर सकते हैं एंडोजेनेसिस से रिगार्डिंग, तो उसको रेगुलेट कर सकते हैं फिर। एंड द पोलन इज़ द आइडियल फॉर अपटेक ट्रांसफॉर्मेशन एंड म्यूटाजेनिक स्टडीज एज पोलन कैन बी यूनिफॉर्मली एक्सपोज टू द केमिकल एंड फिजिकल म्यूटाजेंस। अगर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है या फिर म्यूटाजेनिक स्टडीज करनी है पोलन ग्रेन्स के अंदर, तो उसको पोलन उसमें भी पोलन ग्रेन्स जो वो केमिकल्स और म्यूटाजन जो म्यूटाजेंस हैं उनके कॉन्टैक्ट में जो वो इवनली आ जाते हैं, यूनिफॉर्मली आ जाते हैं, ठीक है। द पोलन में भी डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन एम्ब्रियोइड, तो पोलन जो है वो डायरेक्टली एम्ब्रियोइड जो उसका बन सकता है। एंड इट इज़ वेरी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द बायो केमिस्ट्री एंड फिजियोलॉजी ऑफ द एंड्रोजेनेसिस। तो वो चीज़ जो है वो हमारे हमें हमारे लिए जो है वो बहुत ही सही है फॉर द अंडरस्टैंडिंग द बायो केमिस्ट्री एंड देन द एंथर कल्चर, कि हम हैप्लोइड प्लांट्स की हायर ईल्ड जो है, हम वैसे सोच रहे होंगे कि एंथर कल्चर में जो वो ज़्यादा हायर ईल्ड मिलेगी क्योंकि एंथर में बहुत सारे जो पोलन ग्रेन्स हैं वो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे इस लिटरेचर के अनुसार, कि जो हैप्लोइड कल्चर वाले प्लांट हैं यानी हैप्लोइड प्लांट्स जो हैं वो पोलन कल्चर के थ्रू हमें ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू एंथर कल्चर, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिप्लोडाइजेशन। तो ये भी बहुत पता नहीं काफ़ी लंबा टॉपिक है ये, तो ये चीज़ पढ़ लेते हैं डिप्लोडाइजेशन, बाकी का नेक्स्ट पे छोड़ देते हैं। बाकी हमें बचते हैं प्लोटोप्लास्ट, आइसोलेशन, फ्यूज़न वगैरह वो बचते हैं, और माइक्रो प्रोपेगेशन बचता है, जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन वगैरह वो चीज़ें बचती हैं, तो हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ होमोजाइगस डिप्लोइड इन प्लांट्स। होमोजाइगस डिप्लोइड जो वो हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं डिप्लोडाइजेशन। तो आपको पता है कि जब हम हैप्लोइड प्लांट बनाएंगे, ठीक है, हम देख रहे हैं जैसे हम हैप्लोइड प्लांट बनाएंगे तो उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा, लेकिन हम प्लांट बनने से पहले जो उसकी डबलिंग कर दें तो उस चीज़ को हम डबलिंग ऑफ हैप्लोइड प्लांट्स बोलेंगे, ठीक है। उस क्रोमोसोम उन क्रोमोसोम सेट की जो वो डबलिंग कर दें किसी तरीके से, तो हमारे पास वो डिप्लोइड प्लांट आ जाएगा। लेकिन जो डिप्लोइड प्लांट आएगा वो कैसा होगा, होमोजाइगस होगा, उसके हर एक जो एलील्स होंगे वो कैसे होंगे, मतलब हर एक जीन जो है वो एक दूसरे के होमोजाइगस होगा, सेम जो है वो एक पेयर पे भी वही होगा, दूसरे पेयर पे भी वही होगा। तो हैप्लोइड प्लांट्स जो हैप्लोइड प्लांट्स हैं विच आर ड्राइव्ड आइदर फ्रॉम द एंथर कल्चर और पोलन कल्चर, देर आर स्टराइल एंड दिस प्लांट कंटेन्स ओनली अ वन सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। ये चीज़ हमें ना मालूम है कि सिर्फ एक 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 सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट होता है इसमें। बाय डबलिंग देयर क्रोमोसोम नंबर द प्लांट कैन बी मेड फर्टाइल, ठीक है। अगर हम हैप्लोइड प्लांट उसको बनाएंगे, हैप्लोइड प्लांटलेट्स जो है वो उससे निकलेंगी, लेकिन वो आगे जो है वो फर्टाइल नहीं होंगी क्योंकि उसमें जो क्रोमोसोम का पेयर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें म्योसिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। म्योसिस उसी में होगी ना जिसमें डिप्लोइड, मतलब उसमें दो मतलब एक क्रोमोसोम पेयर है तभी वो म्योसिस कर पाएंगे ना, तभी तो वो अलग अलग पोल्स पे जा पाएंगे। अगर उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो वो पेयरिंग में है ही नहीं क्रोमोसोम, तो वो उसमें अलग अलग पोल्स पे कैसे जाएंगे, तो म्योसिस हो ही नहीं पाएगी।
ठीक है, एंड रिजल्टेंट प्लांट विल बी होमोजाइगस डिप्लोइड एंड आइसोजेनिक डिप्लोइड। ठीक है, होमोजाइगस डिप्लोइड और आइसोजेनिक डिप्लोइड जो वो होंगे ये प्लांट, एंड दीज होमोजाइगस डिप्लोइड प्लांट शो द नॉर्मल म्यूटिक सेपरेशन। ये नॉर्मल म्यूटिक सेपरेशन जो वो शो करते हैं, तो ये नॉर्मल जैसे दूसरे प्लांट्स की लाइफ होती है वैसे ही नॉर्मल लाइफ जो है वो ये जी सकते हैं एक तरीके से। एंड द फर्टाइल होमोजाइगस डिप्लोइड प्लांट आर मोर इम्पोर्टेंट देन द स्टराइल हैप्लोइड प्लांट्स एंड कैन बी यूज्ड एज द प्योर लाइन इन द ब्रीडिंग प्रोग्राम। ठीक है, इनको प्योर लाइन में ले सकते हैं ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में। हैप्लोइड प्लांट्स कैन बी डिप्लोइडाइज्ड बाय द फॉलोइंग मेथड। ये तीन मेथड हैं जिसके थ्रू जो वो डिप्लोइड बनाए जा सकते हैं, हैप्लोइड डिप्लोइडाइजेशन हो सकती है। फर्स्ट इज द कोल्चिसिन ट्रीटमेंट। ये कोल्चिसिन ट्रीटमेंट आपने ट्रिटिकेल्स में भी पढ़ा था और आपने साइटोजेनेटिक्स में भी पढ़ा होगा। ठीक है, और भी कई जगह पे जो प्लांट फिजियोलॉजी में कोल्चिसिन वर्ड आपने सुना होगा, जो सेल बायोलॉजी में भी देखा होगा। एंडोमाइटोसिस, तो एंडोमाइटोसिस के थ्रू जो भी हो सकता है, फ्यूज़न ऑफ पोलन न्यूक्लियाई, या तो पोलन न्यूक्लियाई जो है वो उनको क्या कर दिया जाए, फ्यूज़ कर दिया जाए आपस में। तो फर्स्ट आते हैं फर्स्ट कोल्चिसिन ट्रीटमेंट में। तो ये प्लांट से एक ऐसा पॉइजन होता है कोल्चिसिन, जो प्लांट से ऑब्टेन होता है, और ये क्या कर देता है, कोल्चिसिन क्रोमोसोम को जो वो डबलिंग कर देता है क्रोमोसोम की एक तरीके से। कोल्चिसिन हैव बीन यूटिलाइज्ड वाइडली इन द स्पिंडल इनहिबिटर टू इंड्यूस द क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। स्पिंडल जो है उसको बनने जो वो इनहिबिट कर देता है, स्पिंडल इनहिबिटेशन हो जाती है और क्रोमोसोम डुप्लीकेशन जो है वो उसको फॉलो कर की जा करा जाता है। एंड टू प्रोड्यूस द पॉलीप्लोइड प्लांट्स, पॉलीप्लोइड प्लांट्स जो है वो उससे प्रोड्यूस किए जाते हैं। एंड द यंग प्लांटलेट्स वाइल स्टिल एनक्लोज्ड विद इन द एंथर आर ट्रीटेड विद द 0.5 कोल्चिसिन सोल्यूशन फॉर द 24 to 48 आवर्स। एंड ट्रीटेड प्लांटलेट्स आर प्लांटेड इन द आर प्लांटेड इन द मीडियम आफ्टर और थ्रू वॉशिंग इन केस ऑफ मेच्योर हैप्लोइड प्लांट्स 4% कोल्चिसिन एंड लिनोलिन पास्ट मे बी अप्लाइड टू द एक्सिल ऑफ द लीफ। तो अगर प्लांटलेट्स जो हैं वो छोटे छोटे हैं, अभी यंग प्लांटलेट्स हैं, तब तो उनको ट्रीट कर किया जा सकता है विद द इनक्लोज्ड विद द एंथर आर ट्रीटेड विद द 0.5% कोल्चिसिन सॉल्यूशन कितने आवर्स के लिए, 24 हो सकता है। फिर उसके बाद जो उसमें क्या हो जाएगा, क्रोमोसोम डबलिंग हो जाएगी। लेकिन जब ट्रीटेड प्लांटलेट्स जो है वो फिर अगर है वो हैप्लोइड हैं और वो मेच्योर हो गए हैं, तब हम लीफ जो है वो उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं 4% कोल्चिसिन और लिनोलिनिक लिनोलिन पास्ट सॉरी पेस्ट होगा यहाँ पे, पास्ट से लिखा है। तो नेक्स्ट इज द एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस आपको पता है कि एंडोमाइटोसिस मतलब कि जो क्रोमोसोम सॉरी न्यूक्लियस है उसके अंदर अंदर ही जो है वो डिवीज़न हो जाती है क्रोमोसोम की, लेकिन वो न्यूक्लियस जो होता है डिवाइड नहीं होता। तो ये प्रोसेस जो है वो इसको पढ़ते हैं कि कैसे होती है ये। हैप्लोइड सेल्स आर द अनस्टेबल इन कल्चर। हैप्लोइड सेल्स कैसी होती हैं, अनस्टेबल होती हैं कल्चर में एंड हैव टेंडेंसी टू अंडरगो द एंडोमाइटोसिस। एंडोमाइटोसिस जो है वो उसमें उसकी जो हैप्लोइड सेल्स होती हैं कल्चर में, दैट इज़ क्रोमोसोम डुप्लीकेशन विदाउट न्यूक्लियर डिवीज़न। तो एंडोमाइटोसिस क्या होता है, विदाउट न्यूक्लियर डिवीज़न क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो जाती है खुद ही। एंड दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज फॉर द ऑब्टेनिंग होमोजाइगस डिप्लोइड प्लांट्स। इन दिस प्रोसेस अ स्मॉल एक्सप्लांट फ्रॉम द स्टेम स्मॉल एक्सप्लांट फ्रॉम द स्टेम फ्रॉम ए हैप्लोइड प्लांट इज कल्चर्ड ऑन द ऑक्सिन साइटो एंड एडिड मीडियम वर द सेगमेंट होम द कैलस टिश्यू एंड ड्यूरिंग कैलस ग्रोथ डिप्लोइड होमोजाइगस सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाई द एंडोमाइटोसिस। तो ऐसे प्लांट्स की जब
अब इसमें ऑक्सीजन और साइटोकाइनेंस का के साथ जो इसको कल्चर किया जाए, ऐसे प्लांट्स में क्या हो जाता है, डिप्लोइड होमोजाइगस सेल्स जो वो बन जाती हैं बाय एंडोमाइटोसिस, क्योंकि जो हैप्लोइड सेल्स होती हैं उनकी खुद की टेंडेंसी ऐसी होती है कि वो अनस्टेबल होती हैं और वो क्या करना चाहती हैं, मतलब उसमें डबलिंग कर लेती हैं भी, जब उनको पर्टिकुलर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो वो मिल जाता है, फटाफट से वो क्या कर देंगी, डबलिंग कर लेंगी। एंड नाउ लार्ज नंबर ऑफ आइसोजेनिक डिप्लोइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनोजेनेसिस। तो ऑर्गेनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो डिप्लोइड प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ द फ्यूज़न ऑफ पोलन न्यूक्लियाई। पोलन न्यूक्लियाई की जो फ्यूज़न है, पोलन न्यूक्लियाई जो उसको फ्यूज़ करवाया जा सकता है। तो होमोजाइगस डिप्लोइड कैलस, तो जो होमोजाइगस डिप्लोइड कैलस है ना, जो कैलस बन जाता है, और एम्ब्रियोड्स मे फॉर्म बाय द स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न ऑफ टू सिमिलर न्यूक्लियाई ऑफ द कल्चर पोलन आफ्टर फर्स्ट डिवीज़न। तो फर्स्ट डिवीज़न के बाद जो है इसको क्या कर दिया जाता है, इसमें जो एम्ब्रियोड्स हैं और डिप्लोइड कैलस हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जब स्पॉन्टेनियस फ्यूज़न हो जाता है विद द टू सिमिलर न्यूक्लियाई ऑफ द आफ्टर द फर्स्ट डिवीज़न। ठीक है, जब वो डिवाइड करता है प्लांट, तो फर्स्ट डिवीज़न जब मतलब माइटोटिकली जब डिवाइड करेगा ना जो प्लांट की जो सेल है, तो उसके बाद जो है ये आपस में क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं वो न्यूक्लियस जो हैं। ठीक है, इन ब्रासिका द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्पॉन्टेनियस न्यूक्लियर फ्यूज़न इन द माइक्रोस्पोर इज़ हाई इन द कल्चर। वो कल्चर के अंदर खुद ही वो जो सेल्स जो जनरेटिव और वेजिटेटिव सेल्स जो बनती हैं वो खुद ही आपस में फ्यूज़ कर जाती हैं, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे डिप्लोइड सेल बन जाती है, और उस डिप्लोइड सेल को फर्दर कल्चर कर दिया जाता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वो पोलन सेल्स जो हैं वो डिवाइड करके जो वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल्स ही बनाए, जब उसको कल्चर में डाला जाता है तो हो सकता है कि वो अनदर सेल्स भी बना सकती है। ठीक है, मतलब सिंपल जो जैसे एक टिश्यू में डिवीज़न होती है, वैसे दूसरी सेल्स भी बनाई जा सकती हैं, तो वो सेल्स भी आपस में फ्यूज़ करके एक डिप्लोइड सेल बना देगी, और जिससे कि आगे एक डिप्लोइड प्लांटलेट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो अब एप्लीकेशन है प्लोइड्स की, एप्लीकेशन जो है वो तुम लोग देख लेना, अगर हो अगर तुम लोग कर लोगे तब तो, नहीं है तो आप बता देना कि आप, या कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना, काफ़ी इसकी मैं ही करवा दूँगी। अब अपनी अटेंडेंस दीजिए सभी। अपनी अटेंडेंस दे दिए। टेन रोल नंबर, और कहीं जाना नहीं है आपने, मुझे कुछ पूछना है आप लोगों से। 5, 1, 15, 18, 13, 4, 7, 19, 20 14 रोल नंबर गायब है, 14 and 3 रोल नंबर, जी 3 रोल नंबर तो आ गया। मुझे आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछना था कि आपको कोई चीज़ ऐसी है जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड जो कि समझ नहीं आती है, कोई टॉपिक, जी 7 रोल नंबर आपके लगा दिए रोल नंबर। ये पी पी वाला, सिर्फ पी लिखा है जिसने, ये कौन है, डॉट वाला कौन है, ये रोल नंबर 14 जी। आपसे ये चीज़ पूछनी थी मुझे कि आपको मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, कोई चीज़ समझ ना आती हो, टॉपिक कोई समझ ना आता हो, सीरियसली पूछ रही हूँ, ऐसे
रोज जैसे पूछती हूँ, वैसे तो रोज ही फीडबैक लेती हूँ आपका, लेकिन अभी ऐसा है कुछ तो बताइए। नो मैम, नो मैम। अच्छा, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो बता सकता है। अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी तक नहीं आई ऐसी कोई प्रॉब्लम। एक्चुअली कल मीटिंग थी तो मुझे ऐसा बोला गया कि आपके बच्चों को आपके टॉपिक समझ नहीं आते हैं, तो ये स्टेटमेंट मेरे लिए काफ़ी हर्टिंग थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं मतलब पूछना तो ज़रूरी है कि भाई किस बच्चे को या कुछ समझ नहीं आ रहा है। आप अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप डायरेक्टली मेरे से बोल सकते हो, अब भी बोल सकते हो, कोई वो नहीं है। आपको मेरा बिहेवियर पता ही है, ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारी इंटरनल असेसमेंट काट लूँगी या समथिंग कुछ ऐसा करूँगी। हमने कोई भी बात नहीं की किसी से ऐसी। तो मुझे ऐसी स्टेटमेंट सुनने को मिली तो मेरे लिए काफ़ी हर्टिंग स्टेटमेंट थी। मैंने फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों से भी ये पूछा, क्योंकि एक एक स्टूडेंट से पूछना तो मेरे से नहीं होता ये, लेकिन अब आप क्लास में पढ़ रहे हो तो रिगार्डिंग दिस मेरे को पूछ ही सकती हूँ तुम लोगों से कि भाई कोई चीज़ है तो नहीं ऐसी। आप सभी मतलब मेरे को ये सब पूछने का सिर्फ ये है कि मुझे आपका सपोर्ट चाहिए एक तरीके से, कि मुझे अगर ऐसा बोला गया तो अगर नेक्स्ट टाइम से जो मुझे ऐसा कभी सुनने को मिला तो आप मेरे सपोर्ट में खड़े हैं या नहीं। अगर एमडी सर मेरे को ऐसा बोलें तो आप मेरे सपोर्ट में खड़े हैं या नहीं, कि मेरे साथ आके बोलेंगे कि नहीं हमें समझ आता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हमें समझ नहीं आता है। तो ये चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि मुझे कोई बात करनी है। ठीक है, बिकॉज बीइंग अ टीचर मुझे कुछ भी वो नहीं है, मतलब एक टीचर को यही चीज़ होती है कि उसके स्टूडेंट को उसका पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है या नहीं, क्योंकि इतने एफर्ट्स जो है वो बेकार जाते हैं अगर ऐसा कुछ है। हम आपके साथ हैं मैम। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना, कोई वो नहीं है कि मैम ने ऐसे बोला या मैम को ऐसे, तो अभी भी बता दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ऐसी स्टेटमेंट जो है वो बड़ी हर्टिंग जैसी होती है। तो नेक्स्ट टाइम अगर सर ऐसा बोलेंगे तो मैं तुम लोगों को साथ में लेके जाऊंगी। सर बताओ मुझे कौन सा बच्चा ऐसा बोल रहा है कि नहीं आ रहा समझ। तो तुम लोग चल पड़ोगे फिर मेरे साथ क्या? ओके मैम, यस मैम। ठीक है, मुझे सिर्फ आप लोगों का चाहिए। अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आ रही समझ तो बिंदास बता सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं। एक साल से मैं पहले तुम लोगों को आमने सामने भी पढ़ा चुकी हूँ और तुम लोग ऐसा तो है नहीं कि मेरे को जानते नहीं हो। ओके मैम, एक तो ये 7 रोल नंबर कौन है, इसने अपना नाम क्यों छुपाया है? यस मैम, चल पड़ेंगे। ऐसे मुझे लगता नहीं ऐसी कोई ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन पता नहीं बोलना तो मेरे को काफ़ी हर्ट हुआ। एक सिंगल ही स्टेटमेंट जो है वो पूरे साल की या कितने 1-2 महीनों से या 3 महीनों से जो पढ़ा रहे हैं आपको, तो वो सिंगल स्टेटमेंट जो है वो आपके पढ़ाए हुए पे क्या हो जाता है, एफर्टलेस बोल दिया जाता है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होती है।
चलो कोई बात नहीं, ऐसे बोला कोई बात नहीं, ऐसे बुरे मानने वाली मेरी भी बात नहीं है कोई भी, लेकिन मेरा फ़र्ज़ था तुम लोगों से पूछना कि ऐसा कुछ है तो नहीं, अगर ऐसा कुछ है तो बता दो बस, और तो कुछ नहीं है। बस लास्ट स्टेटमेंट मेरी यही है कि आई नीड योर सपोर्ट, कि अगर मैंने तुम लोगों को पढ़ाने के लिए कोई एफ़र्ट किया है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने एफ़र्ट किया है और तुम्हें पढ़ाया है अच्छे से, तो आई नीड योर सपोर्ट एट एनी टाइम, जब भी मैं आपको बोलूँ तो आप मेरे को सपोर्ट कर दोगे या नहीं, ये चीज़ मैं जानना चाहती थी, बस इतनी सी चीज़। तो ठीक है फिर, मैं अपना लाइव सेशन जो वो एंड करती हूँ। ओके चल पढ़ेंगे, पर मुझे एक ये रोल नंबर 7 ये कौन है, मुझे नाम बताओ अपना। 7 किसका रोल नंबर था? एक तो 6 रोल नंबर था, मनदीप है। 7 कौन था? अच्छा इसका नाम कुछ, इसका नाम पहले कुछ और पेयर होता था ना, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। जी ठीक है फिर, मैं अभी लाइव सेशन एंड कर रही हूँ अपना, और ध्यान रखिएगा अपना, कोई टेंशन तो इतनी मैं भी नहीं लूँगी, लेकिन आप भी टेंशन मत लीजिएगा इस रिगार्डिंग, बस बता दिया करो अगर कोई प्रॉब्लम हो, नेक्स्ट टाइम से कोई प्रॉब्लम हो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड तो आप मेरे को बता सकते हैं। बाकी आप लोगों को पता ही है, हम तीनों टीचर्स का बिहेवियर पता है कि हम तीनों आपस में कैसे रहते हैं और हमारा तीनों का आपके साथ किस तरीके का रिलेशन है, तो नॉर्मल रिलेशन है हमारा, अभी ऐसा तो कुछ है नहीं कि एक दूसरे से कुछ छुपा हुआ है। ओके ठीक है, बाय बाय फिर। ठीक है अपना नाम लिख लो नरेश, ऐसे काली काली मुझे लग रहा है कि ऐसे कोई वो नहीं होता, सो क्या बोलते हैं, जो दिखाई नहीं देता और ऐसे मतलब कोई कमेंट आ रहा है वैसे। चलो ठीक है लाइव सेशन एंड कर।